देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि एग्जाम भले ही ग्रुप डी का हो पर कुछ सवाल आपको सरल और कुछ सवालों का लेवल आपको थोड़ा हाई मिलेगा, है ना। तो देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करना है। तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसे 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची जो दूरी है उसे तांगे से तय करता है। हमें यहाँ तांगे की चाल नहीं दी है, ठीक है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से व शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय करता है तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन में जो समय लग रहा था उससे भी 1 घंटे का अधिक समय लगेगा उसे सेकंड कंडीशन में, ठीक है। तो तांगे की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कुल समय निकाल लेंगे, तो बाद वाला समय बड़ा है तो उसमें से पहले वाले समय को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाद में लगने वाला समय क्या है, 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से तय कर रहा है, तो यहां स्पीड ऑफ ये तांगे की स्पीड, तो ये हम समय निकाल रहे हैं, तो ये समय प्लस शेष दूरी 24 किलोमीटर बची उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, ठीक। तो ये एक बार हमने लिख दिया ऐसा, फिर माइनस फर्स्ट कंडीशन में लगा समय, ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन का टाइम माइनस सेकंड कंडीशन का टाइम, तो वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 घंटे की रफ्तार में चल रहा है। 16 बटे यहां जाएगा 4, समय बराबर से दूरी बटे 4 प्लस बाकी बची दूरी को तांगे से तय करते हैं, यहाँ भी फिर 24 बचेगी और यहाँ आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ तांगा। इन्हीं के बीच का अंतर कितना है, 1 घंटे का, तो 1 घंटे का, ठीक है। देखिए इसको मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, 4×6=24 और 4×4 प्लस का 2 बचेगा, उस तरफ जाके ये -2 बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 16/HT - 24/HT, तो एलसीएम एचटी आ जाएगा और ये बचेगा -8, ठीक है। पर ये देखिए इस तरफ 1 भी था, तो यहाँ +2 जाएगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये 1 - -2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा ओनली -1, ठीक है। इसी को अगर मैं यही लिख दूं तो ये यहाँ पे हमारा बच गया है माइनस, ठीक है। ये रिंग से रिंग कट जाएगा हमारे यहाँ पे और स्पीड ऑफ तांगा हमारी 8 किलोमीटर पर आवर्स ये निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर और ये डी वाला हमारा सही गया है। देखिए ये सवाल ज्यामिति पर आधारित है जिसमें हमें एक आकृति दी हुई है और उससे संबंधित जानकारी दी हुई है और हमसे कुछ एंगल पूछे हैं जिसका कि हमें आंसर देना है। तो देखिए दी गई आकृति में कोण AOB एक सीधी रेखा है, देखिए AOB एक सीधी रेखा है जिसमें कोण AOC 67 डिग्री, AOC 67 डिग्री है। कोण BOC का समद्विभाजक 40 है, समद्विभाजक मतलब उसे 2 बराबर भागों में बांटने वाला। जब उसे वह 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो ये और ये कोण दोनों क्या हो जाएगी, बराबर रहेंगे। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कोण भी 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण BOD का मान हमें डिग्री में बताना है, मतलब बी वो डिग्री वाला कोण हमें बताना है। तो देखिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी कोई सीधी सरल रेखा होती है तो उसको बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, मतलब ये पूरा कोण कितने का बन रहा हमारा 180 डिग्री का, ठीक है। तो बस हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए x धन x 2x प्लस 67 डिग्री इक्वल टू 180, है ना। तो 2x बराबर से क्या हो जाएगा, 10 में 7 पे 3, 7 में से 6 गया 1 और ये 1, x 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, तो
तो हमारा x का मान क्या निकल के आएगा 56.5 डिग्री जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही जवाब छुपा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास ग्रुप डी में ही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जो कि थोड़ा सा कठिन है, ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट को यूजुअली थोड़ा कठिन लगेगा, बट ऐसा कठिन इसमें कुछ है नहीं, तो देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो सवाल पढ़ेंगे हम, तो दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित है। तो देखते हैं हम इसका प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है z का मान क्या होगा, ठीक है, कथन दे दिया हमें दो। पहली कंडीशन दी है कि z²-1=0 और सेकंड कंडीशन में z=√n, जहां पे n बिलोंग्स टू n, मतलब n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या, ठीक है। अब ऑप्शन हमारे पास है कि क्या हम दोनों को मिला करके बता सकते हैं कि भाई दोनों उचित है, मतलब इसका अर्थ होगा कि पहला भी आंसर दे रहा है और सेकंड से भी आंसर आ रहा है, मतलब दोनों ही उचित है। दूसरा है कि नहीं, सिर्फ एक उचित है, हाँ, कि भाई सिर्फ एक ही से हम आंसर दे पाएंगे, दूसरे से नहीं दे पाएंगे, हाँ। दूसरा तीसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ दूसरा ही उचित है, पहले से आंसर नहीं निकाला जा सकता। और चौथा ऑप्शन है कि भाई दोनों ही उचित नहीं है, मतलब दोनों को ही मिला, दोनों से ही हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो अब आते हैं हम इसके हल पे। तो देखिए z² + से कोष्टक खोलूंगा तो -1 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो 1, तो z² = 1, मतलब यहां अगर मैं इसको आगे हल करूं तो z = 1, ठीक है, या प्लस माइनस 1 भी इसको कर सकते हैं, वर्गमूल इस तरफ चला गया तो वर्गमूल निकालेगा प्लस या माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन होगी जिससे कि हम आंसर बिल्कुल निकाल सकते, जेड का मान निकल के आया, धन में आया, ऋण में आया, जो भी कंडीशन हो, बट आंसर तो आ ही रहा है, पहली तो ठीक है उचित है, बट सेकंड में देखते हैं हम क्या होगा। देखिए z = √n जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो मैं यहां पर एक से लेके इंफिनिटी तक पद ले सकता हूं, तो सारी ही कंडीशन में इसने सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम मान करके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। अगर मैं एक रखता हूं तो सही है, पहली वाली कंडीशन से आ रहा है, बट दो रखता हूं तो √2 नहीं आ रहा, तीन रखता हूं तो √3 ये भी आंसर नहीं, अगर चार रखता हूं तो आंसर 2 हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही उचित है। तो इस हिसाब से हम आंसर को टिक करेंगे। देखिए कहां है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।